तुझे अपने पिताजी को खत्म करना ही पड़ेगा। कोई बुरा सपना देखा? हाँ माया, एक ऐसा सपना जो मेरी जिंदगी को मौत की शक्ल में तब्दील कर सकता है। क्या तुमने पक्का फैसला कर लिया है जाने का? हाँ सुंदरी, मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे विक्रांत को खत्म करना है। अगर मैंने उसे खत्म नहीं किया तो सारी दुनिया को खत्म कर देगा। तू अपने सपनों को हकीकत की शक्ल देने नहीं आ रहा, बल्कि अपनी मौत को अपने आगोश में लपेटने के लिए आ रहा है। विक्रांत, मैं आपका मतलब नहीं समझी। मेरे ख्वाबों को पूरा करने का वक्त खुद ब खुद मेरी तरफ आ रहा है। माया, तुम अक्सर मुझसे पूछा करती थी कि मैं अपनी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं करता। तो मैं अपनी शक्तियों का उपयोग इसलिए नहीं करता क्योंकि कुदरत ने मेरे साथ नाइंसाफी की। मुझे अता शक्ति के सरताज बनाने के साथ साथ उसमें कुछ अड़ंगे भी डाल दी थी। अड़ंगे? कैसे अड़ंगे? जब तक मेरी पहली पत्नी जीवित थी, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, ऐसा मुझे श्राप था। मगर अब वो श्राप में क्या? हाँ माया, मेरी पत्नी अब इस दुनिया से कूच कर चुकी है और अब मैं अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए आजाद। ये तो बहुत अच्छी बात है विक्रांत, फिर इसमें उलझन कैसी? तुम नहीं समझोगी माया, नहीं समझोगी। मेरी उलझन है मेरा पुत्र जो मौत बनकर मेरी ओर आ रहा है। आपका पुत्र मौत बनकर आपकी तरफ आ रहा है? हाँ माया, आकाशवाणी के द्वारा मुझे पहले ही पता चल गया था कि मेरा पुत्र मेरा वध करना चाहता है। इसलिए उसके जन्म से पहले ही मैं उसकी जननी को खत्म करना चाहता था। परंतु रुक क्यों गए विक्रांत? उस वक्त की नाकामयाबी आज भी खलती है मुझे। पता नहीं उसे मेरे इरादों की भनक कैसे लगी और वो मेरे चंगुल से निकल गई। मैंने उसे बहुत तलाशा पर था न, शायद अपनी मायावी शक्ति से उसने उस स्थान को बांध रखा था जहां वो रहती थी। पर अब उसकी मौत के बाद ये सब खत्म हो गया है। और आपने अपनी मौत को देख लिया है ना? हाँ मां, जैसे उसकी शक्तियां खत्म हुई मुझे अपनी मौत दिखने लगी। मेरा पुत्र मेरी मौत बनकर मेरी ओर आ रहा है, बगैर जाने कि मैं मौत की भी मौत हूं। यहां आने से पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा उसे। Ha 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 ha!